अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप और बड़े खैरियत से होंगे। आज मौसम बहुत खुशगवार है और छुट्टी का दिन है, तो इस छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए मैं आज अपने लवबर्ड के डब्बे चेक करने लगा हूँ। पिछली मरतबा हमने 10-12 दिन पहले वीडियो जो थी वो एक बनाई थी इसके ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि हमारे लवबर्ड के जो पेयर थे उसमें अंडे आना शुरू हो गए हुए थे लेकिन फर्टाइल अभी तक नहीं हुए थे। तो आज हम अपने लवबर्ड को बॉक्स को देखते हैं कि इनमें से किस किस पेयर ने कितने कितने अंडे दे दिए हैं और उनमें से कौन कौन से अंडे जो है वो फर्टाइल हो चुके। सबसे पहले मैं इस कलोनी को विजिट करता हूँ। ये जो मेरे पास कलोनी आप देख रहे हैं ये अल्बाइनो रेड आई इनटू स्पिटिनो की कलोनी है, मतलब इसमें एक अल्बाइनो रेड आई का पीस है और दूसरा इसमें स्पिटिनो का पीस है। सिर्फ इसमें दो पेयर ऐसे हैं, जैसा कि ये सामने पेयर आप देख रहे हैं जो स्टिक में बैठा हुआ है, ये मेरा एक अल्बाइनो स्पिटिनो ब्लूटू की फीमेल है और उसके साथ अल्बाइनो रेड आई का मेल है। इसको भी हम देखते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। इसके अलावा ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं इसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों बैठे हुए हैं रेड आई के, ये मेरा है अल्बाइनो रेड टू रेड का पेयर। बाकी इसमें से सारे जो पेयर आप देख रहे हैं उस तरफ भी बॉक्स लगे हुए हैं, सामने भी डब्बे लगे हुए हैं, ये भी आपको डब्बा नजर आ रहा है, इस तरफ भी लगा हुआ है, ये सारे अल्बाइनो रेड आई इनटू स्पिटिनो की कलोनी है। सबसे पहले हम इस डब्बे से शुरू करते हैं और इस डब्बे को खोलकर इसको देखते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। अंडे वगैरह तो इसके पहले से आगे हुए थे, आज हम देखते हैं कि कितने अंडे इस फीमेल ने ले किए हैं टोटल और उसमें कितने फर्टाइल हैं। तो फीमेल इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उड़कर बाहर चली गई है, तो बल्कि ये फीमेल थी वो मेल था इसका। तो अभी हम देखते हैं इस अंडे कितने हैं इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 अंडे हैं इसके अंदर और देखते हैं इसमें से फर्टाइल कौन सा अभी तक हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल एग है और ये अभी तक फर्टाइल नहीं हुआ। इसके अलावा ये फर्टाइल हो गया हुआ है और ये भी अगर आप देखें तो फर्टाइल है और ये भी फर्टाइल है। तो टोटल 5 अंडे हैं जी इस पेयर के और इस 5 में से अल्हम्दुलिल्लाह 4 अंडे फर्टाइल हो चुके हुए हैं, एक अभी फर्टाइल नहीं हुआ, होपफुली वो भी फर्टाइल हो जाएगा। डब्बे को हम अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और देखते हैं अगले डब्बे को। फीमेल आई गेस अंदर ही है इस पेयर के, बिल्कुल जी फीमेल अंदर है। अगर हम यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ तो ये मेरे पास अल्बाइनो स्पिटिनो की फीमेल थी जो बाहर निकल गई है और अभी हम देखते हैं इसके अंडे। अंडे जी इसने अभी तक 2 ले किए हैं और अभी ये फर्टाइल नहीं होंगे क्योंकि मजीद इस फीमेल ने अभी अंडे ले करने होंगे। अगले डब्बे की तरफ मूव करते हैं और इसको देखते हैं। अगेन रेड आई इनटू स्पिटिनो का पेयर है क्योंकि ये कलोनी में सारे रेड टू स्पिट की पेयरिंग लगी हुई है। फीमेल इसके अंदर ही लग रही है मुझे और बिल्कुल जी फीमेल इसके अंदर है और इसको हम देखते हैं कि अंडे टोटल कितने हैं इसके अंदर और फर्टाइल और अनफर्टाइल की क्या सिलसिला है। तो हम थोड़ी सी नेस्टिंग को साइड पर करके और फीमेल के करीब जाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं। तो ये मेरी अल्बाइनो रेड आई की एक फीमेल है और इसके नीचे टोटल अभी मुझे 3 अंडे जो हैं, बल्कि 4 अंडे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो फीमेल उड़ के बाहर निकल गई है और हमें उसने मौका दे दिया है कि हम अंडों की फर्टिलिटी जो है वो देख सकें। तो अभी हम अंडों की फर्टिलिटी देखते हैं। ये अंडा है अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल होना शुरू हो गया हुआ है, ये भी फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल होना शुरू हो गया हुआ है, लेकिन इसके आगे एक और अंडा है और ये भी फर्टाइल है। तो टोटल 4 अंडे हैं जी इस बॉक्स के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों अंडे जो हैं वो फर्टाइल हैं। डब्बे को हम कर देते हैं बंद और बंद करने के बाद हम अगले डब्बे की तरफ मूव करते हैं। ये जो भी डब्बा देख रहे हैं इस डब्बे के अंदर मेरा एक ब्लूटू का पेयर है, मतलब इसमें फीमेल जो है वो अल्बाइनो स्पिटिनो जो है वो ब्लूटू की है, पॉसिबल ब्लूटू की फीमेल है। वो भी इंशाल्लाह जब अंडे इसके फर्टाइल होने के बाद बच्चे इसमें हैच हो जाएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि वो ब्लूटू है या नहीं है। तो फिलहाल इस पेयर ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 अंडे जो हैं वो ले किए हुए हैं। तो ये अंडा अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल है और इसके अलावा ये अंडा है ये भी फर्टाइल हो गया हुआ है और इसके आगे हम देखें तो ये भी फर्टाइल है। इसके आगे भी जो डब्बा आप देख रहे हैं इसमें मेरा अल्बाइनो रेड आई इनटू रेड आई का पेयर है। लास्ट टाइम इसने ब्रीड नहीं की थी, अभी देखते हैं कि अभी अंडे ले करना फीमेल ने शुरू किए हैं या नहीं किए। तो फीमेल आप देख सकें तो अभी अंडे ही मौजूद है जो कि उड़कर बाहर आ गई है और हम भी देखते हैं कि कितने अंडे इसके आगे हैं और इसमें से कौन कौन सा फर्टाइल है। तो टोटल 3 अंडे हैं जी जो इस फीमेल ने ले कर दिए हुए हैं और मेरे ख्याल से भी इसने मजीद जो अंडे हैं वो ले करने हैं। तो अभी हम इसकी फर्टिलिटी नहीं देखते, इसकी हम पोस्टपोन कर देते हैं अगली मरतबा की तरफ और नेक्स्ट टाइम हम इसकी फर्टिलिटी देखेंगे क्योंकि अभी मजीद अंडे जो हैं वो ले करने हैं। अभी 4-5 दिन होंगे इन अंडे को आए हुए तो अभी ये फर्टाइल शायद ना हुए हों।
इसके आगे हमारे पास सल्बाइनोरेडा इंटुस्पिटिनो का पेड़ है। पिछली मरतबा इसने भी ब्रीड नहीं की थी, फिलहाल देखते हैं कि अभी इसके अंडे आए हैं या नहीं आए। तो फीमेल जो है वो इसके अंदर मौजूद मुझे नहीं लग रही, डब्बा मुझे खाली लग रहा है और इस फीमेल ने अभी तक अंडे नहीं ले किए। अभी ये जो आप सामने कलोनी देख रहे हैं ये मेरी स्प्लिटिनो इनटू स्प्लिटिनो की कलोनी है, यानी अल्बाइनो की कलोनी है। इसमें से मेरे पास रेड आई के बच्चे भी आ जाते हैं और अल्बाइनो ब्लैक आई के बच्चे भी आ जाते हैं। तो आज हम इसको भी विजिट करते हैं। पहले हमने देखा कि अल्बाइनो रेड आई इनटू स्प्लिटिनो की कलोनी को, अभी जो है वो हम इस कलोनी के विजिट करते हैं जिसके अंदर तकरीबन 7-8 पेयर हैं। तो अभी वन बाय वन इसके बॉक्स भी चेक करते हैं कि किस किस पेयर ने कितने कितने अंडे ले कर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इस डब्बे खोलते हैं जिसमें अल्बाइनो स्प्लिटिनो का मेल है और उसके साथ लेटिनो रेड आई स्विफ्ट ब्लू की फीमेल है। इस डब्बे को हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। लास्ट टाइम इस पेयर ने ब्रीड नहीं की हुई थी, अभी देखते हैं कि अंडे वगैरह आए हैं या नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि फीमेल अंदर ही है। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत फीमेल है लेटिनो रेड आई स्विफ्ट ब्लू की, आप देख सकते हैं प्योर फिशरी मास्किंग में ये मेरे पास फीमेल है। 3 अंडे इसने टोटल ले किए हुए हैं और अभी हम इसको क्लोजअप करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें बच्चे वगैरह देखने की इजाज़त देती है या नहीं देती। तो मेरे ख्याल से अभी इसने मजीद अंडे ले करने हैं। इस डब्बे को हम यहीं पे बंद कर देते हैं, फर्टिलिटी वगैरह नहीं देखते, अगले टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। हम खोलते हैं अगले डब्बे को। इस फीमेल ने भी लास्ट टाइम अंडे वगैरह ले नहीं किए हुए थे, अभी देखते हैं कि अंडे ले किए हैं या नहीं किए। फीमेल उड़कर बाहर आ गई है और डब्बा इस वक्त खाली है, इसको हम देखते हैं। तो नेस्टिंग इस बर्ड ने नहीं की हुई लेकिन अभी तक इसने अंडे भी ले करना शुरू नहीं किए। तो इसके आगे हमारा ये वाला पेड़ है, इसने भी लास्ट टाइम ब्रीड नहीं की हुई थी, अभी देखते हैं कि कोई इसमें हरकत बरकत हुई है या नहीं हुई अभी। और इसके अंदर मुझे लग रहा है अंडे आना शुरू हो गए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 अंडे हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये फर्टाइल होना भी शुरू हुए हैं या नहीं हुए। ये वाला अंडा जो है ये अभी तक फर्टाइल नहीं हुआ, इसके साथ वाला अंडा फर्टाइल हो चुका हुआ है, ये अंडा भी फर्टाइल होना शुरू हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं रेड वेन जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। इसके आगे ये अंडा है ये भी फर्टाइल नहीं हुआ और ये अंडा भी फर्टाइल नहीं हुआ। इसके आगे मेरे पास ये डब्बा है और इस बॉक्स के अंदर अल्बाइनो रेड आई का मेल है और अल्बाइनो स्प्लिटिनो की फीमेल है। बड़े अच्छे रेशो है इसमें बच्चे पालने की। तो इसको हम देखते हैं इसने अभी तक कितने अंडे ले कर दिए हुए हैं। तो बड़ा डीप सी नेस्टिंग इसने बनाई हुई है इस पेयर ने, अगर आप देख सकते हैं तो 4 अंडे मुझे लग रहे हैं, लेकिन इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से बन रही है कि मैं सही तरह से वीडियो जो है वो नहीं बना सकता। तो ये अंडा फर्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से और ये भी फर्टाइल होना शुरू हो चुका हुआ है। इसके आगे हमारे पास मजीद एक एग है, ये भी फर्टाइल है और लास्ट में चौथा एक अंडा देखते हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल है। तो 4 अंडे जी ले किए हैं और चारों के चारों अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल लग जाए। सामने के 5 डब्बे जो हैं वो हमने देख लिए हैं और इसके अलावा हमारा ये एक डब्बा रहता है जिसको हमने भी चेक करना है। और इसके अलावा ये 3 डब्बे इस तरफ हैं, इनको हमने देखना है कि इनमें ब्रीड की क्या सूरत हाल है। तो वन बाय वन इनको भी खोलते हैं और इनको देखते हैं। पहले सामने वाले 15 नंबर डब्बे को देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। मेल अंदर मौजूद नहीं है, अंडे देखें तो 4 अंडे मुझे लग रहे हैं इस डब्बे के अंदर हैं। अभी ये फर्टाइल नहीं हुआ, ये भी फर्टाइल नहीं है और ये एग मुझे लगता है कि ये फर्टाइल होना शुरू हो चुका हुआ है। और इसके अलावा ये अंडा है ये भी फर्टाइल नहीं हुआ। तो टोटल 4 अंडे हैं, उसमें से अभी एक अंडा फर्टाइल हुआ है, बाकी अंडे अभी फर्टाइल होना शुरू नहीं हुए। इसके आगे हमारे पास ये बॉक्स है और इसमें देखते हैं कि कुछ फीमेल ने एग वगैरह ले किए हैं या नहीं किए। तो मुझे नहीं लग रहा कि फीमेल नहीं थी। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 अंडे हैं जो कि पड़े हुए हैं, 4 से 5 अंडे हैं जो कि फीमेल ने ले किए हुए हैं। तो ये देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल लग रहा है, ये भी फर्टाइल एग है। और इसके अलावा अगर आपको दिखा सकूं ये भी फर्टाइल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 अंडे हैं इस फीमेल ने जो ले किए हुए हैं और 5 के 5 इसके अंडे जो हैं वो फर्टाइल एग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आखिरी यहाँ पे एक और बॉक्स है जो कि इस रो में हमारे पास आखिरी डब्बा है। इसको देखते हैं कि इसमें अंडे वगैरह आए हैं या नहीं आए। तो इसको हम देखकर इसका जूम अप करते हैं तो मेरे ख्याल से ये डब्बा जो है ये खाली डब्बा है। इसके अलावा हमारे पास ये इस कलोनी का आखिरी डब्बा है और इसको देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो इसके अंदर 5 अंडे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहे हैं कि इस पेयर ने भी ले किए हुए हैं। इसको हम देखते हैं कि ये फर्टाइल हुए हैं अभी तक के नहीं हुए। तो वन बाय वन इसको देखते हैं हम। तो ये अंडा जो है ये फर्टाइल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी फर्टाइल नहीं हुआ और ये अंडा जो है ये मुझे फर्टाइल लग रहा है और इसके आगे ये एक फर्टाइल एग है।